सब ही ने देता। एक आदमी ने मुझे कुछ पैसे दे दिए कि आपको ये काम करना। क्या काम करना? रात को जाना है, दिल्ली लगाना, बस और कुछ नहीं। बहुत अच्छा काम है भाई, हम मैं छुटके से आया या दिन के उजाले में आया और ये काम कर। तो ईमानदारी से बताइए, जितना बड़ा मैं पुष्कर वाला हूँ उतना बड़ा मुझे भेजने वाला नहीं है। जितना बड़ा मैं पुष्कर वाला हूँ उससे ज्यादा बड़ा वो भेजने वाला है जो इल्म का दुश्मन है। उससे बड़ा पुष्कर वो है जो उसके लाइब्रेरी को कुतुब खाने को जलवा रहा है। उसे तो मारा चाहे किसी ने हो, ये देखो ऑर्डर किसने दिया था।
ऐसा नहीं करेंगे तो कातिल और मक्तूल का पता नहीं चलेगा, जालिम और मजलूम के मालूम मालूम नहीं हो। बच्चों को कैसे मालूम होगा कि गलत कौन है सही कौन है, ये सब बातें बताना जरूरी। और हर इंसान बताता है अपने बच्चों को बातें कि बेटा सर्दी में बर्फ मत खाना, ये नुकसानदेह है। गर्मी में गर्म पानी मत पीना, ये नुकसानदेह है। बहुत सारी बातें बताई जाती है, जो अच्छी चीजें वो भी बताई जाती है, जो बुरे रास्ते हैं उन्हें भी बताया जाता है। तो अजीजों जो सच्ची बात है, जो हकीकत है, उसे क्यों ना बताया जाए, ये बताना जरूरी है। हुसैन देखो क्यों निकले थे हुसैन, तो इमाम हुसैन ने क्या कहा, पूरी दुआ और अपनी मारूफ सामने नजर आता। अगर आते हैं
काम में तो सब माहिर है भाई, एक सलवात भेजे मोहम्मद जाते हो तो थर्मामीटर से नहीं नपेगा,
नाजिल हो, जिस घर में कुरान होता है उस घर में बरकत नाजिल हो, जिस घर में कुरान होता है उस घर में मलाइका नाजिल होते हैं, लेकिन अगर वो कुरान पढ़ लिया जाए तो अजमतों में चार चार लग जाते हैं, अजमतों में नूरानियत आ जाती है, खैर और बरकत में खुशहाल आ जाती है। ये कुरान की बात है। अच्छा बस ये रखने की भी बरकत है, कुरान को घर में रखने की भी बरकत है। उसकी सबसे बड़ी बरकत आपको बताऊं, सबसे बड़ी बरकत ये है कि अगर बच्चा डर रहा होता है तो माँ उसके सिरहाने रखती है। सबसे बड़ी बरकत बता रहा, अगर बच्चा डर रहा होता है तो या तो उसके गले में पहना देती है या उसके सराहने रख देती है। पढ़ा नहीं, जब बरकत है आप।